हेलो एवरीवन, दिस इज़ वीडियोस वर्ल्ड चैनल। और आज हम सीखेंगे कि जब हम ऑटो कैड से कोई ड्राइंग को स्टार्ट प्रो में इंपोर्ट करते हैं तो कुछ एरर्स आते हैं, उन एरर्स को कैसे रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ ऑटो कैड में बना लेता हूँ। एक प्लान बना लेता हूँ मैं। थोड़ा सा ऑफसेट कर देता हूँ, 20 का। ठीक है, एक ऑफसेट और मार देता हूँ मैं यहाँ से, 100। हंड्रेड नहीं, ज़्यादा का करते हैं, 500 का। या इतना रहने देते हैं, ये एक प्लान है। ठीक है, इसको इंपोर्ट करते हैं हम स्टैट प्रो में, फिर देखते हैं क्या एरर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेव एज करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं, ये बन गया न्यू फोल्डर, यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। एक तो मैंने ऑटोकैड की ड्राइंग सेव कर ली यहाँ पे, और दोबारा सेव एज में जाता हूँ और यहाँ पे मैंने DXF सेव कर लिया। DXF फॉर्मेट ही हम स्टेट प्रो में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब स्टेट, इसको मैं ऑटो कैड को क्लोज कर देता हूँ, स्टेट प्रो ऑन करते हैं। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट स्पेस, अब यहाँ पे फाइल में जाएंगे और इंपोर्ट में क्लिक करेंगे। 3D DXF फॉर्मेट हमें चाहिए, और डेस्कटॉप पे हमने एक फोल्डर बनाया था, न्यू फोल्डर, न्यू फोल्डर। यहाँ पे देखिए DXF फाइल है, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। वाई अप रखते हैं, यानी कि प्लान है तो वाई अप होगा। यूनिट्स हम रखते हैं मिलीमीटर, ओके कर देते हैं। ये हमारा प्लान आ चुका है, वैसे सामने से देखेंगे तो ऐसे। अब हम शिफ्ट के प्रेस करेंगे, सर जॉइंट्स हमें नज़र आ जाएँ, शिफ्ट प्लस के, ये आ गए जॉइंट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें एरर्स क्या हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पर, जूम कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ पर हमारे जॉइंट्स होने चाहिए थे, यहाँ पर जॉइंट्स नहीं है, है ना, पहला एरर। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट करेंगे पूरे ऑब्जेक्ट को, ज्योमेट्री में जाएंगे और यहाँ पे इंटरसेक्ट सिलेक्टेड मेंबर। इससे क्या होता है कि कोई भी मेंबर ऐसे एक के ऊपर से एक जा रहे हैं और यहाँ पर जॉइंट नहीं है यहाँ पर, तो इससे करने से हमारा जॉइंट बन जाएगा। सेलेक्ट इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट, जीरो टॉलरेंस, यानी कि दोनों के बीच में स्पेस जीरो है। 15 न्यू बीम्स क्रिएटेड, देखिए यहाँ पे बन चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये चीज़ें आपको चेक करनी है हमेशा, हो सकता है इसमें ना हो, मैंने सेलेक्ट किया, टूल्स में चेक, टूल्स में जाना है, चेक डुप्लीकेट नोट्स, नोट जॉइंट्स डुप्लीकेट, चेक में जाना है डुप्लीकेट मेंबर, इसी तरह सारी डुप्लीकेट चीज़ें चेक कर लेनी है। अब देखते हैं इसकी डायमेंशंस क्या ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं एक चीज़ और, अगर मैं ग्रिड को ऑन करूँ तो ग्रिड कहाँ पे है, ठीक है, ग्रिड को अगर मैं चेंज कर लूँ प्लान के अकॉर्डिंग तो ग्रिड कहाँ पे और हमारा स्ट्रक्चर कहाँ पे, जबकि हमें यार स्ट्रक्चर ओरिजिन से स्टार्ट होना चाहिए। मान लीजिए हम इसको ओरिजिन बनाना चाहते हैं इस जॉइंट को, तो हमने क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे स्ट्रक्चर ज्योमेट्री और इसमें होगा आपका मूव ओरिजिन। कौन से जॉइंट को हमें ओरिजिन बनाना है, तो हमने क्या किया, पहले उस जॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट चाहिए, इसको ओरिजिन बनाना है तो हम गए सिलेक्ट ज्योमेट्री मूव ओरिजिन और यहाँ पे पुट कर दी वैल्यूज, कितनी है 1.836 और -1.938, क्लोज। अब देखें जरा ग्रिड को ऑन करके, तो देखिए अब स्ट्रक्चर हमारा ठीक है। अब इसमें हमें जो भी करना है वो स्टार्ट करेंगे करना,
तो ये कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम ठीक कर लेंगे पहले, उसके बाद ही हम स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो हमें क्या क्या चेक करना है, इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट चेक करना है, डुप्लीकेट नॉट्स, बीम्स, नॉट्स, बीम्स, अगर प्लेट है तो प्लेट, और ओरिजिन, ये हमें बनाना है। उसके बाद ही हमें स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर को आगे काम करना। तो ये थी आज की वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आप लोग मेरी वेबसाइट पर भी व्यू कर सकते हैं, www.engineersforcivil.com। इसमें आपको सभी सॉफ्टवेयर के लगभग ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे आप गेट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बुक्स चाहिए, जैसे कि स्टैट प्रो की आपको बुक्स चाहिए तो यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे लोड हो जाएंगी स्टैट प्रो से रिलेटेड बुक्स, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। या फिर आपको ई टैप की बुक चाहिए तो ई टैप से रिलेटेड बुक्स आ जाएंगी, या आपको सिविल इंजीनियरिंग या गेट से रिलेटेड बुक्स चाहिए तो आप यहाँ पे गेट से रिलेटेड बुक को बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मेरे और यूट्यूब ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं, जैसे कि मैट फाउंडेशन डिज़ाइन, स्टैट प्रो और ऑटो कैड। और यहाँ से आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं आप, एक हमारा फेसबुक पेज भी है, यह आपका हमारा से फेसबुक पेज है, ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर। आप यहाँ पे भी अपने कमेंट और पोस्ट कर सकते हैं, कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड इंक्वायरी कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।